नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अली मतार। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना में दारोगा भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। अभ्यर्थियों ने जेपी गोलंबर और करगिल चौक को जाम कर दिया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए इन इलाकों में बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि छात्र दारोगा परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर रहा है। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप को लगाकर जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हजारों की तादाद में अभ्यर्थी सड़कों पर निकले हैं। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी सड़कों पर निकले हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं? देखिए अलीम, सैकड़ों की संख्या में छात्र है और इनका डिमांड है कि जो दारोगा एग्जाम लिया गया है उसको रद्द किया जाए। डिप्टी का रिजल्ट हालांकि आयोग ने जारी कर दिया है। इसके अलावा कई ऐसे अभ्यर्थी जो दूसरे एग्जाम में अपियर हुए थे और इनका आरोप है कि 6 साल हो गए एग्जाम फॉर्म भरे हुए और अब तक रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया गया है। बिहार अवर सेवा चयन आयोग द्वारा इंटर लेवल का ये एग्जाम था, तो लगातार डिफरेंट डिमांड से इनके अलग अलग जो एग्जाम हुए उनके भी अभ्यर्थी हैं। और इन्होंने जो दारोगा अभ्यर्थियों ने आज बिहार बंद का कॉल किया था और इन्होंने जब मार्च निकाला तो रास्ते में जितनी दुकानें थी उनको जबरन बंद करवाया और इसके बाद ये जेपी गोलंबर तक पहुंच गए। लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने प्रदर्शन या धरना की कोई अनुमति नहीं ली थी मार्च की, लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से इनके मार्च को अवैध और नाजायज घोषित कर दिया है और बार बार इनको चेतावनी दी जा रही है कि अपना प्रदर्शन ये खत्म करें, क्योंकि यातायात की व्यवस्था है राजधानी पटना का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। और अगर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने आगाह किया कि अगर थोड़ी देर में ये नहीं हटते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल मौके पर बस वाहन को बुलाया गया, वाटर कैनन को भी बुला लिया गया है और काफी संख्या में पुलिसकर्मी। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर दारोगा परीक्षा के अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं और इनकी मांग है कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। करगिल चौक पर ये बड़ी संख्या में उतरे हुए हैं और जाम कर दिया है करगिल चौक को। परीक्षा में गड़बड़ी का लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट की तरफ से इनको चेतावनी जारी की गई है कि जल्द से जल्द अपने प्रदर्शन को ये खत्म करें, क्योंकि इससे यातायात में बाधा आ रही है और दूसरी कई परेशानियां हो रही है। लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। करगिल चौक को इन्होंने जाम किया है। इनका आरोप है कि दारोगा की जो परीक्षा ली गई है उसमें गड़बड़ी है। अवर सेवा आयोग ने भले ही दारोगा परीक्षा का पीटी रिजल्ट जारी कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद जो दारोगा अभ्यर्थी हैं उनका प्रदर्शन और धरना लगातार जारी है। आंदोलन की राह पर पिछले कई दिनों से दारोगा अभ्यर्थी हैं और आज एक बार फिर से वे सड़कों पर उतरे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, रोड को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है और फिलहाल उन्होंने जिस तरीके से बिहार बंद का कॉल किया था उसके बाद यहाँ पर जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका गया है। और चूंकि उन्हें धरना और प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, लिहाजा प्रशासन ने अपनी तरफ से जो उनका ये एक्शन है उसको अवैध घोषित कर दिया है। तो जो दारोगा अभ्यर्थी हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्यों निकले हैं सड़कों पर और उनकी क्या डिमांड रही है, क्यों निकले हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि हाइट कम हो जाएगा, लेकिन बोल रहा है कि अगले बार से हाइट कम होगा, लेकिन हम लोग को इसी बार से चाहिए। कॉल किया आप लोगों ने, क्या आज कर रहे हैं? एक तो धांधली का है, ऊपर से हम लोग का हाइट अधिक है, 160 है। सारे एग्जाम में धांधली होती है। बिहार एसएससी का 4 साल हो गया अभी तक रिजल्ट नहीं, एक तो 4 साल पे एग्जाम लिया फिर 1 साल होने जा रहे रिजल्ट नहीं दिया है। सारे चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं कि बिहार में सुधार हो, शिक्षा माफिया सब जितना है धांधली पे धांधली, क्वेश्चन डेली क्वेश्चन आउट होता है बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, आज इंटर का, कल से एग्जाम था, सारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया होता है। ये सब हम लोग का मांग है कि ये सबको खत्म किया जाए बिहार से। देखिए जो दारोगा अभ्यर्थी हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में होने वाली परीक्षाओं में तमाम तरह की धांधलियां बरती जा रही है, क्या डिमांड है, क्यों सड़कों पर? हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ सुशासन की सरकार, नीतीश बाबू बोलते हैं सुशासन की सरकार, लेकिन हर एग्जाम में जो भी बच्चे के साथ धांधली किया जा रहा है, हर एग्जाम का क्वेश्चन 2 घंटा पहले सोशल साइट पे उपलब्ध है, सोशल मीडिया में उपलब्ध है। मेरा मांग है कि हर एग्जाम का सीबीआई जांच हो और साथ ही कहना चाह रहे हैं कि 6 साल बिहार।
अगली खबर का रुख करते हैं बेगूसराय से। अगली खबर है जहां अपराध